मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट होम। पेज नंबर 106, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, 76 लेग्स आर देयर इन अ ग्रुप ऑफ काउज, हाउ मेनी काउज आर देयर? इस क्वेश्चन का मीनिंग है, एक ग्रुप में काउज का ग्रुप है, उसमें 76 लेग्स हैं, तो हमें टोटल काउज बतानी है कि टोटल काउज कितनी है। आंसर इज, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ काउज हैज 76 लेग्स। एक ग्रुप में जो काउज है उनकी कितनी लेग्स है? 76। वन काउ हैज 4 लेग्स। एक काउ की कितनी लेग्स होती है? 4। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ काउज। आपको ये बताना है कि उस ग्रुप में कितनी काउज हैं। नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी कैलकुलेट 76 डिवाइडेड बाय 4। 4, नाउ यू हैव टू काउंट द टेबल ऑफ 4 टिल वी गेट 7। द फर्स्ट डिजिट, व्हाई फर्स्ट डिजिट? बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 4। So, 4 ones are 4. Subtract it. 7 minus 4 we get 3. 6 will come down. Now, it become 36. 4 nines are 36. Subtract it, we get 0. So, answer is, number of cows are, number of cows is equal to 19. Question number 2. A milkman sold 156 liter of milk in 6 hours. एक milkman है जो 156 liter milk 6 hours, 6 घंटे में बेचता है. How many liter of milk did he sell in 1 hour? वही मिल्कमैन एक घंटे में कितना मिल्क सेल करेगा, सेल करेगा? आंसर इज, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज मिल्क सोल्ड इन 6 आवर्स। जो मिल्क है वो 6 घंटे में कितना बेचा गया? 156। मिल्क सोल्ड इन 1 आवर, जो मिल्क है वो एक घंटे में कितना बेचा गया? 156 डिवाइडेड बाय 6. When we divide this term with this term, 156 divided by 6, we get the milk in 1 hour. जो अगर हम इसको divide करेंगे तो हमें एक घंटे में कितना milk sell किया गया वो मिल जाएगा. Now 156 divided by 6, count the table of 6 till we get the smaller digit of 15. 6 choose a 12. Subtract it. 5 minus 2 we get 3. 6 will come down. 1 minus 1 we get 0. Now it becomes 36. Again count the table of 6 till we get 36. 6 6 are 36. Subtract it. 36 minus 36 we get 0. So the answer is, milk sold in 1 hour is equal to 26 liter. Question number 3. 416 soap cakes are to be packed as 4 cakes in each pack. 416 सोप पैक करने के लिए हैं, एक पैक में 4 सोप्स डालने, आपने 4 केक्स डालने हैं। हाउ मेनी पैक्स ऑफ सोप केक्स विल बी देयर? तो हम अगर 416 को सोप्स को हम पैक करेंगे, एक पैक में 4 केक्स डालेंगे, 4 सोप्स डालेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने पैक्स होंगे? नाउ द स्टेटमेंट इज टोटल सोप केक्स, आपके पास टोटल सोप्स कितने हैं?
16. वन पैक हैज फोर सोप्स. एक पैक में कितने हैं आपके पास, कितने सोप्स हैं? फोर. नंबर ऑफ पैक्स 416 डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी सॉल्व दिस सम. 416 डिवाइडेड बाय 4. नाउ काउंट द टेबल ऑफ 4 टिल वी गेट द फर्स्ट डिजिट. 4 वन्स आर 4, सब्ट्रैक्टेड 4 माइनस 4 वी गेट 0. अब आप 1 को नीचे उतार लीजिए. नाउ सी 1 इज स्मॉलर देन द डिवाइजर. 4 से छोटा है 1, तो 4 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है. देन वी कम डाउन विद 6. अब हम 6 को भी नीचे उतार लेंगे. इट विल बिकम 16. जब हम दूसरा डिजिट नीचे उतारेंगे तो दूसरे डिजिट को नीचे उतारने के लिए हमारा 1 0 यहाँ पे लग जाएगा. नाउ काउंट द टेबल ऑफ 4 टिल वी गेट 16. 4 4 जा 16. सब्ट्रैक्टेड 16 माइनस 16 वी गेट 0. आंसर इज कितने बैग्स हैं? 104 आर टोटल बैग्स. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ 4 टीवी सेट इज रुपीज 8,824. जो 4 टीवी सेट्स हैं, 4 टीवीज की कॉस्ट कितनी है? 8,824. फाइंड द प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट. अब आपको एक टीवी सेट की कॉस्ट पता करनी है. नाउ द स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ 4 टीवी सेट इज इक्वल टू 8,824. कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट 8,824 डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी सॉल्व दिस. 8,824 डिवाइडेड बाय 4. काउंट द टेबल ऑफ 4 टिल वी गेट 8. 4 2s are 8. सब्ट्रैक्टेड 8 माइनस 8 0. अब आप ये वाला 8 नीचे उतार लीजिए. अगेन 4 2s are 8. 8 माइनस 8 0. अब आपके पास 2 नीचे आ जाएगा. नाउ सी अगेन 2 इज स्मॉलर देन 4. अब ये 4 से छोटा है तो हम 4 को भी नीचे उतार लेंगे. नाउ इट विल बिकम 24. जब हमने सेकेंड डिजिट नीचे उतारा तो हमारा 1 0 क्वेश्चन में चला जाएगा. 4 काउंट द टेबल ऑफ 4 टिल वी गेट 24. 4 6 इज 24. 24 माइनस 24 वी गेट 0. नाउ द आंसर इज कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट इज रुपीज 2206. So children, you have to do these word problems in your FAIR notebook. We will meet in the next video. Till then, good day.